सर भुवन बाम मतलब कि बीवी की बाइंस की एक न्यू सीरीज आ चुकी है, ताजा खबर, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने देखी? मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा था डिज्नी प्लस हॉटस्टार का, तो मैंने देखा सीरीज, मेरे को बहुत ही ताबड़तोड़ लगी है और बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी है। और मैं खुश भी हूँ कि कोई यूट्यूबर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर अपना मतलब एक कला का प्रदर्शन दे रहा है, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए ये बहुत ही बड़ी सक्सेस है कि वो मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अपनी वेब सीरीज ला रहा है। हालांकि इससे पहले हमने उनके चैनल पे ही उनकी ढिंडोरा वेब सीरीज़ देखी थी जो कि बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ताज़ा खबर नाम की एक वेब सीरीज़ आई जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आई, और ये एक यूट्यूबर की बहुत ही बड़ी सक्सेस है। और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कहानी वगैरह बहुत ही शानदार था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे साउथ की फिल्में जैसे प्रभास की देखते हैं, किसी की देखते हैं, वाइब देते हैं ना, मतलब कि एक तरह से उसको ये कह सकते हो कि मतलब माफिया टाइप की मतलब वो दे रहा था, वाइब दे रहा था, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम में मुंबई आई थी दोबारा, तो उन दोनों जैसे वाइब दे रहा था, जैसे मुंबई के समंदर का सीन दिखाया गया, तो वो बहुत ज़्यादा शानदार था। एंड फाइंस जो फाइट सीन्स है वो भी ज़्यादा अच्छे थे, कुछ रोमांटिक सीन्स भी हैं वो भी ज़्यादा अच्छे थे, और इमोशनल भी करती है थोड़ा सा, मतलब माँ को लेकर, जैसे कि देखे हो वो, तो माँ को लेकर जिन्होंने देखे तो उनको पता होगा माँ को लेकर उनके जो इमोशनल सीन दिखाए वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगे हैं। म्यूज़िक बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, गाने भी हैं लगभग 6-7 वो भी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो ये वेब सीरीज़ ताबड़तोड़ पैसा कमाने वाली है बहुत ज़्यादा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अब क्या है कि सीरीज़ में एपिसोड्स थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए इसकी जो रेंथ है, लेंथ कह लो या रेंज कह लो, वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन अगर इसको बॉलीवुड टाइप में अगर एक थिएटर में रिलीज़ करना होता तो थिएटर में भाई ताबड़तोड़ पैसा कमाती है, क्योंकि सबको पता है कि बीबी वाइंस की कितनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो मेरे को तो बहुत ही शानदार लगी है, और मैंने एक इंटरव्यू में देखा जिसमें शाहरुख खान ने मतलब वेब सीरीज़ में मतलब जब ट्रेलर आया था तो उस पर शाहरुख खान का भी रिएक्शन देखने को मिला था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं ताज़ा खबर ज़रूर देखूंगा। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा था कि शाहरुख खान जैसे लोग मतलब इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनके मतलब वेब सीरीज़ पर रिएक्शन देते हैं, और शाहरुख खान का रिएक्शन देना बनता भी है क्योंकि शाहरुख खान ने अपनी पिक्चर का प्रमोशन भी मतलब इनसे कराया था, बीबी की वाइन से करवाया था, तो कहीं ना कहीं के रिलेशन से पता चलता है कि शाहरुख खान ने इसीलिए रिएक्शन दिया। तो मेरे को बहुत ही शानदार लगा है, बहुत यार अच्छी शानदार पिक्चर है, बहुत शानदार पिक्चर। कितने स्टार देना चाहेंगे? सर मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि कहानी भी अच्छी है, डायलॉग भी अच्छी है, और स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, म्यूज़िक बैकग्राउंड भी अच्छा है, जो एक्टर्स हैं इनके साथ जो कोई स्टार्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे, मेरे को नाम नहीं पता है फिलहाल, लेकिन उनके जो एक्टर्स हैं जो कॉमेडी बीच बीच में कराते हैं, जो ऐसा आपको मतलब ऐसे डायलॉग करते हैं कि आपको नेचुरली हंसी आएगी, तो बहुत ही शानदार लगा। तो मेरे को तो बहुत ही शानदार अच्छा बहुत ही शानदार वेब सीरीज़ लगी, और मैं वेट कर रहा हूँ कि अब भुवन बम हमें मतलब वेब सीरीज़ सेट के सीधे बॉलीवुड में दिखे, मतलब अब सीधे सीधे खुशखबरी दे तो सीधे बॉलीवुड फिल्म साइन करें, वो भी लीड रोल में, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगी यार वेब सीरीज़, दिल छू गया। थैंक यू।